वापस लौटने के बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। 36 लाख रुपए कैश मिले हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी दफ्तर में सीएम हेमंत सोरेन की जो बीएमडब्ल्यू कार जब्त करके ले जाई गई थी, उसे 36 लाख रुपए कैश मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जिसे बताया जा रहा है कि जिस कार को जब्त किया गया था, बीएमडब्ल्यू कार जो हेमंत सोरेन की कार है, उसे अभी ईडी मुख्यालय में रखा गया है और उस कार से 36 लाख रुपए बरामद होने की खबर भी है। शंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर, जिसका अभी हम जिक्र ही कर रहे थे कि ईडी की तरफ से क्या कुछ ये बताया जा रहा है कि आखिर जो छापेमारी हुई उसमें क्या कुछ सफलता मिली, क्या अभी तक बरामद किए गए, तो सूत्र अब बता रहे हैं कि 36 लाख रुपए कैश मिले हैं। अब ये लेना मनोज, अब लेना ले चुका हूं। जिस तरह से हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई है और इस मामले में जिस तरह से हेमंत सोरेन को अबकायदा ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है, कई अलग अलग जगहों पे उस अबकायदा तलाशा जा रहा है, और जिस तरह से कहा जाए कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की जो कार है, जो बीएमडब्ल्यू कार है, उसकी अगर बात करें, ठीक सामने देखा जा सकता है कि हेमंत सोरेन की जो कार है वो ईडी मुख्यालय में कल देर रात में लाया गया। एचआर नंबर की गाड़ी है और इस कार को जांच एजेंसी के द्वारा कल देर रात में 11 बजे के लगभग में उस कार को लाया गया और लाने के बाद यहां पर रखा गया। और इसके साथ ही जिस तरह से अगर देखा जाए तो कई और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जांच एजेंसी के द्वारा लाया गया और लाने के बाद यहां पर रखा गया है। और कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन से जुड़े हुए तमाम इनपुट को अब खंगाला जा रहा है। जिस तरह से हेमंत सोरेन के तरफ से हालांकि मुख्यमंत्री आवास से ईडी मुख्यालय को खत लिखा गया है, मेल लिखा गया है और कहा गया है कि 31 तारीख को पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, लेकिन देखना लाजमी होगा कि क्या आज जांच एजेंसी के द्वारा कोई सख्त कार्रवाई होगी या नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा हेमंत सोरेन को इसलिए तलाशा जा रहा है क्योंकि 10 बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। और जिस तरह से अब जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरह से उनसे जुड़े हुए तमाम लोकेशन पर जानकारियों को जुटाया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, ईडी मुख्यालय दिल्ली। बिल्कुल, तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इस पर हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। यहां रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।